हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका इन्वेस्ट फॉर एवर जो आपका खुद का चैनल है इसमें आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक वीडियो यहां पर अभी रिलीज हो चुके हैं यहां पर देख लीजिएगा लेकर स्टॉक है यहां पर तिलक नगर इंडस्ट्रीज जहां पर अच्छा खासा चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर अच्छे खासे पैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं बट रिस्क रिलेटेड भी यहाँ पर बातें करी गई है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ मल्टी स्टॉक से जो कि आपने थंबनेल में देख लिया है एज वेल एज निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप का व्यू तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं बट बिफोर द वीडियो में आगे रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट इनवेस्टर चैनल आपका चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको सबसे फॉरन तौर पर यहाँ पर वीडियो मिले और आप यहाँ पर देख के सीख सके और बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है और जितना हो सके सीखने पर ध्यान देना है और लास्ट तक वीडियो में बने रहे और एक लाइक और एक अप जरूर दिया दीजिए करें हर हर एक वीडियो को और ये पर्टिकुलर नंबर है अगर हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना है इन नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे, से हम करेंगे, निफ्टी यहां पर गिरने के मुझे लग रहा था संकेत यहाँ पर गिर सकती है थोड़ी बहुत बट इंटैक्ट यहां पर है क्या चीज कि यहाँ पर ऊपर जाने की चीजें इंटैक्ट है ओके okay, और यहाँ पर चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई भी दे रही है यहाँ पर जो कंसोलिडेशन और थोड़ी सी गिरावट है ये सिंपली एक रीजन है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन है इसके बाद जब चीजें भागती हुई नजर आएंगी तो अच्छे खासे यहाँ पर जो आज का लेवल है अठारह एक बार यहाँ पर देख लेते हाँ अठारह हजार एक सौ चौदह अठारह हजार एक सौ चौदह को यहाँ पर इन्होंने क्रॉस किया तो याद रखिये एक अच्छी खासी जंप आएगी जो कि इसे यहाँ पर 18,315 के आसपास लेके जाएगी और इस लेवल को क्रॉस किया तो फिर एक हर्डल और है इनका वो हर्डल कौन है तो छ सौ चार हर्डल दिखाई देता है जो कि यहाँ पर लास्ट टाइम बना था एक बार अठारह तो ये लेवल है चार को क्रॉस कर देती है तब एक यहाँ पर निफ्टी ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा बट यहाँ पर ये यह दो पॉइंट यहाँ पर दिखाई देते हैं निफ्टी इस रेंज में यहाँ पर घूम सकती है और इसी के रेंज में यहाँ पर टच करके शायद यहाँ पर नीचे आती हुई दे सकती है तो इसके लिए भी यहां पर तैयार रहिएगा निफ्टी के लिए तो यहां पर थोड़ा सा यहां पर कंसोलिडेशन शायद होगा के बाद चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है तो यहाँ पर इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा इसके अलावा निफ्टी बैंक की एक बार बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की अगर हम यहाँ पर देखें तो निफ्टी बैंक में भी एक अच्छी खासी कल जिस तरीके से गैप अप ओपनिंग हुई पंद्रह सौ पॉइंट से ज्यादा यहाँ पर चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दी उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दी तो आपको पता ही है किसके वजह से हुआ था एच की मेन रीजन तो एच था तो यहाँ पर इसके बाद चीजें आज की डेट में यहाँ पर गिरावट होती हुई दिखाई दी है तो अगेन इसे यहाँ पर चलने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा इसे यहाँ पर चलने के लिए सबसे पहले तो इसे खुद का ये जो लेवल है यहाँ पर अड़तीस का इसे क्रॉस करना है इसे क्रॉस करने के बाद चीजें यहाँ पर जाती हुई दिखाई देगी और फिर उसके बाद इसे यहाँ पर ये उनतालीस को निकालता है फिर जाके एक अच्छी खासी तेजी होती हुई दिखाई देगी वरना यहाँ पर ये कंसोलिडेशन फेज में यहाँ पर जात चलता हुआ दिखाई दे रहा है ओके और ये मेन इसका कंसोलिडेशन फेज ही दिखाई देता है uh, सैंतीस हजार के आसपास से और ये उनतालीस हजार पर ये कंसोलीडेट करती हुई दिखाई दे रही है चीजें तो लेस सी कल कैसा मार्केट रहेगा बट अगर हम यहाँ पर देखें एफ और डी की जो बाइंग हो रही है कल भी यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग हुई थी आज की डेट की बात करें आज भी इफ आई नॉट रॉन्ग यहाँ पर बाइंग हुई है डी आई एस की भी और एफ आई एस की भी उस क्वांटिटी में नहीं हुई जिस क्वांटिटी में यहाँ पर लास्ट टाइम हुई थी बट स्टिल यहाँ पर देखे तो यहाँ पर देखिए तीन सौ चौहत्तर करोड़ की एफ आई एस एफ पी आई ने यहाँ पर बाइंग करी है डी आई एस ने भी यहाँ पर एक सौ पांच करोड़ के आसपास की यहाँ पर बाइंग करते हुए नजर आए हैं तो यहाँ पर निफ्टी की तरफ ध्यान दीजिएगा इसके अलावा निफ्टी स्मॉल कैप की अगर हम बात करें निफ्टी स्मॉल कैप में भी यहाँ पर uh, दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर चीजें अच्छी ऊपर की तरफ आज की डेट में यहाँ पर कल जिस तरीके से आ, निफ्टी था उससे अपोजिट यहाँ पर चार्ट पैटर्न था इसका बट स्टिल यहाँ पर आ, आज की डेट में अच्छी खासी इक्यानवे पॉइंट की जंप हुई है और ग्यारह दस जो इसका लेवल है यहाँ पर ये इसे क्रॉस करता है तो और मेन यहाँ पर इसी लेवल को यहाँ पर इसे क्रॉस करना पड़ेगा यहाँ पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर एक एग्जैक्ट लेवल देख लेते हैं 10 ,964, 10 ,964 को बारह हजार के आसपास तो चीजें यहाँ पर ऊपर uh, यह uh, तो जाती हुई दिखाई दे रही है बट कल की डेट में शायद एक छोटा सी गिरावट भी होती हुई दिखाई दे सकती है तो यहाँ पर सब चीज सेंटिमेंट दिखाई दे रहे हैं मार्केट के ऊपर देखते कि क्या होता है क्या नहीं होता बट स्टिल ये जो पर्टिकुलर लेवल्स हैं इन लेवल को यहाँ पर क्रॉस करना जरूरी है नौ सौ चौसठ ये क्रॉस करता है फिर चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई देगी इसके अलावा हम बात करते हैं निफ्टी मिड कैप की तो निफ्टी मिड कैप भी यहाँ पर अच्छा खासा दिखाई दे रहा है कल भी यहाँ पर दिखाई दे गया था जिस तरह तो निफ्टी ने जो फिफ्टी थी उसने ज्यादा ऊपर दिखा दिया था वो चीजें यहाँ पर डाइजेस्ट हो नहीं रही थी कल बट यहाँ पर निफ्टी मिड कैप और ये सारी चीजें यहाँ पर ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही थी और निफ्टी मिड कैप का चार्ट तो और ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है ये जो अब आज का ही इसका लेवल है इकतीस हजार एक सौ उनतीस इसे यहाँ पर क्रॉस कर दिया तो यहाँ पर चीजें यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है इकतीस हजार चार सौ के आसपास और फिर उसके बाद यहाँ पर बत्तीस हजार के आसपास ये चीजें जाती हुई दिखाई दे रही है और इसे तो मेन ब्रेकआउट के लिए इसे यहाँ पर तैतीस हजार तीन सौ के आसपास निकलना बहुत जरूरी है बट यहाँ पर जो इसके चार्ट पैटर्न है आर एस आई ये ये सारी चीजें बता रही है कि मिड कैप अभी और ज्यादा परफॉर्म अच्छा करेंगे स्मॉल कैप से भी अच्छा

तार ये जंप चलती रहेगी ये मैं सोचिए आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है अच्छा खासा तो प्रॉफिट बुक करते रहिए और कैश को थोड़ा सा रेज करिए क्यों क्योंकि चीजें यहाँ पर जाके यहाँ से रिवर्स होने की पूरे संकेत है क्यों क्योंकि रिजल्ट सीजन चालू हो रहा है जैसे कि आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ तो बी पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा यहाँ पर डाल दीजिएगा बीएससी रिजल्ट कैलेंडर तो आपको सारे रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे तो यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे रिजल्ट आना शुरू हो गए टी सी के भी ग्यारह तारीख को है जीएमडब्लू डी स्टिन प्लेट इन्फोसिस एच तो अच्छे अच्छे रिजल्ट यहाँ पर आने शुरू होने वाले हैं तो आपको प्रॉफिट बुक करना है आईटी और बैंक के अलावा जितने भी शेयर है ओके उन पे एक अलग से एक्सपेंस का जो कि यहाँ पर क्रूड का भाव बढ़ा था सब चीज यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई थी एक्सपेंस का एक बर्डन रहेगा जिसकी वजह से उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे और जब रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तो याद रखिए ये चीजें पर गिरती हुई नजर आएगी तीन चीज बैंक अच्छा परफॉर्म करेंगे आईटी टी यहाँ पर एज वेल एज यहाँ पर जितने भी सिक्योरिटीज के स्टॉक्स है वो और जैसे कैम्प सी डी एस एल ये और शायद एनर्जी भी शायद एनर्जी शायद मैं ले रहा हूँ क्यों क्योंकि एनर्जी पे किस तरीके से चल चीजें होगी वो देखी जाएगी अदरवाइज सारे के जितने भी केमिकल्स कंपनी हो गई या एफ एम हो गई सब पे दबाव रहेगा तो सब में प्रॉफिट बुक करिएगा क्योंकि रिजल्ट आने का चीजें नीचे आएंगी और उस टाइम खरीदेंगे तो 10 से 20 परसेंट तीस परसेंट का प्रॉफिट इजीली होता हुआ नजर आएगा मैं यहाँ पर ये करने वाला हूं तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ तो हम यहाँ पर कुछ स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे जहां पर आप पोजिशन बना सकते हैं काफी नीचे इस जगह पर यहाँ पर चल रहे हैं और यहाँ पर कुछ टाइम में ही आपको रिजल्ट से पहले शायद यहाँ पर एक जम देखने को मिल सकती है है। उसमें से सबसे पहले एमटार एमटार के रिजल्ट यहां पर इस बार के रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे इस वजह से शेयर यहां पर नीचे आता हुआ दिखाई दिया और यहाँ पर अः यहाँ पर अगर देखे यहां पर ऑपरेटर ने ऊपर फसाया फसाने का चीजें नीचे आती हुई दिखाई दी वो एक अलग पॉइंट है बट यहाँ पर देखे तो इक्कीस के आसपास का यहाँ पर रिटर्न साफ नजर आता है कि यहाँ तक रिटर्न आ जाए चुपचाप आपको बेचना है क्यों क्योंकि अगेन यहाँ पर प्रेशर रह सकता है और जब प्रेशर माउंट होगा तो चीजें आती हुई दिखाई देगी यहाँ पर बट एक रजिस्टर आपको सपोर्ट की बात बता देता हूं तो यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट सोलह सो सिक्सटीन फोर्टी फोर ये आपका स्टॉप लॉस के हिसाब से आप काम कर सकते हैं अगर करना है तो नहीं करते तो यहाँ पर इससे नीचे चीज जाएगी तो और बिगड़ती हुई नजर आएगी तो शायद चौदह रुपए और यहाँ पर ये ग्यारह रुपए तक भी चीजें जा सकती है तो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा बट यहाँ से ऊपर जाने का चांसेस भी है और तो 20% के रिटर्न भी यहाँ पर मिल सकते हैं तो यहाँ पर एमटार की तरफ ध्यान दीजिए इसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे निपोन लाइफ की निपोन लाइफ यहाँ पर खड़ा हुआ है आ, यहाँ पर जो एमटार था ये पोजिशनल बेसिस पर मैंने आपको बताया बट बत एमटार की बात करें तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया आज की डेट में जो इसे यहाँ पर इस रेल तीन सौ उनसठ को और क्रॉस करता है थ्री फिफ्टी नाइन के आसपास तो यहाँ पर सीधे ये थ्री सेवेंटी फोर जाएगा जो की यहाँ पर लगभग छह परसेंट के रिटर्न मिलते हुए नजर आ रहे हैं और इस लेवल को भी क्रॉस कर दिया फिर यहाँ पर ये 383 और फिर उसके बाद तो सीधे फोर फोर्टी तक ही यहाँ पर देखिए ये राउंडिंग बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है थोड़ा बहुत यहाँ पर कंसॉलिडेट होगा और शायद इस बार ए के नंबर अच्छे आएंगे और ए के नंबर अच्छे आएंगे तो चीजें और ऊपर जाती हुई नजर आएगी और यहाँ पर अच्छे खा से यहाँ पर रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे तो निपॉन लाइफ की तरफ ध्यान दीजिए मिड कैप स्टॉक है जब भागेगा तो अच्छा रिटर्न देगा और गिरा था तो उसी तरीके से गिरा भी था तो यहाँ पर एक और स्टॉक से रेटिव कर लेते हैं जिसका नाम है अवंती फीड्स अवंती फीर्स दो दिन से यहाँ पर भाग रहा है <coughs> आज के दिन में छह परसेंट और कल के दिन में भी लगभग पांच परसेंट के लगभग ये शेयर यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया था और यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया और आज का ही लेवल अगर ये क्रॉस कर देता है आज का लेवल क्रॉस कर देता है या यहाँ पर ये लगा लीजिए फोर लगभग बीस रुपए और यहाँ पर बीस रुपए तीस रुपए और ऊपर जाता है तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट होगा जो इसे धीरे धीरे यहाँ पर करके शायद ऊपर तक लेके जा सकता है तो यहाँ पर चालीस परसेंट यहाँ पर कैलकुलेट किया था चालीस बट यहाँ से अगर देखते हैं थर्टी फाइव के रिटर्न यहाँ पर बनते हुए

याद रखिए सभी स्टॉक्स में सारा खेल रिजल्ट का है रिजल्ट अच्छा है चीजें ऊपर जाएगी रिजल्ट बेकार है चीजें नीचे आएगी और फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन में जाएगी तो इस चीज को ध्यान में दीजिए इसके अलावा कावेरी सीड्स आपको यहाँ पर ब्रेकआउट यहाँ पर कल कल परसों बताया था यहाँ पर कावेरी सीड्स यहाँ पर देखे यहाँ पर चार्ट ऑफ द वीक में यहाँ पर कावेरी सीड्स बताया था तो कावेजी सीट आज की डेट में कल तो यहाँ पर नहीं ब्रेकआउट हुआ बट यहाँ पर आज के दिन में ये ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दिया और आज के दिन लगभग शेड ऊपर गया और आज ये खुद का ही लेवल यहाँ पर अगर निकाल देता है और मेन लेवल तो मैंने आपको बता ही रखा है छे सौ के आसपास का 620 के आसपास का ये लेवल यहाँ पर क्रॉस करता है तो एक तेजी होगी इसमें जो इसे यहाँ तक उनतालीस परसेंट के रिटर्न तक ले जा सकती है तो इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिए दो छे बस ब्रेकआउट हुआ और ये चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दी आर एस आई भी कह रही है कि हाँ यहाँ पर से ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है तो इस शेयर की तरफ आपको ध्यान देना है इसके अलावा बी एल एस इंटरनेशनल मैंने आपको ये स्टॉक्स बताया था कुछ दिन पहले ओके उसके बाद से लगभग ये पंद्रह परसेंट यहाँ पर भाग चुका है यहाँ पर आप देखेंगे आज भी चार परसेंट भागा मैंने यहाँ पर आपको नीचे के लेवल को बताया था पांच दिन में लगभग ये तेरह चौदह रिटर्न देख दिया है और आज भी इसमें एक ब्रेकआउट हुआ है और ये इस लेवल को निकालता है जो ये मैंने आपको बताया है इस वाले लेवल को टू एटी फोर को ये निकालता है तो ये थ्री जीरो सिक्स और थ्री जीरो सिक्स को भी निकालता है तो शायद अच्छा खासा ये शेयर भागता हुआ दिखाई देगा अनलॉकिंग थीम का ये पर्टिकुलर स्टॉक नजर आता है तो इस शेयर की तरफ भी आपको ध्यान देना है इसके अलावा दो स्टॉक्स और बताऊंगा आपको टीवी एटी इसकी तरफ ध्यान दीजिए बार बार ब्रेकआउट हो रहा है ओके नीचे आ रहा है ब्रेकआउट हो रहा है नीचे आ रहा है ओके कैंडल आज की ये थोड़ी सी घातक कैंडल बनी है जिसमें मैं यहाँ पर बाइंग सेल कर देता हूँ बट मैंने यहाँ पर आज खरीदा है तो यहाँ पर नजर क्या आता है यहाँ पर नजर आता है कि अगर ये आज का लेवल लगभग 82.6 को यहाँ पर क्रॉस करता है तो याद रखिए एक जो तेजी आएगी और मैंने इसके जो चार्ट बताया था कि एक सौ तक ये शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है थोड़े बहुत टाइम में तो वो एक सौ तक नजर आ सकता है तो इस शेयर की तरफ भी आपको ध्यान देना है इसके अलावा इसी का एक और भाई या कह सकते हैं इसका एक और बाप ओके यहाँ पर नेटवर्क एटीन की तरफ ध्यान दीजिए दो दिन से यहाँ पर यहाँ पर अच्छा खासा ये परफॉर्म कर रहा था पर आप देख सकते हैं अच्छा तो यहाँ तो पर नीचे आ सकता है अगर कल दोबारा रेड कैंडल बनी तो मैं यहाँ पर अपनी पोजिशन काट लूंगा क्यों क्योंकि यहाँ पर चीजें यहाँ पर नीचे जाके कंसोलिडेट करके जब नीचे और आएगी तब यहाँ पर बाइंग करिएगा तो यहाँ पर अच्छी खासी बट इसी लेवल को अगर ये क्रॉस कर देता है नाइनटी ओके okay, लगभग like 97 को ये क्रॉस कर देता है चीजें ऊपर जाती है तो याद रखिए राउंडिंग बॉटम बना के ये चीजें ऊपर जाके यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न दे सकती है तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है ओके वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है कमेंट करना है शेयर करना है जितना हो सके सपोर्ट करिए आप हमें सपोर्ट करेंगे हम यहाँ पर डेली वीडियोस अच्छे अच्छे आपके लिए लाते रहेंगे सिखाते रहेंगे फिर आप खुद ही यहाँ पर एक्सपर्ट बन जाएंगे थोड़े बहुत टाइम में एक साल में दो साल में तीन साल में और फिर उसके बाद जब मजे आएंगे तो आप पैसा खुद ही कमाते हुए नजर आएंगे और इन पर्टिकुलर नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच कॉर प्लस